बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में 3 दिवस पूर्व ही पुलिसकर्मियों द्वारा हटवाया गया था सब्जी मंडी का अतिक्रमण, लेकिन उसके तुरंत बाद सभी सब्जी विक्रेता वापस आ गए अपनी जगह और फिर से हो गया अतिक्रमण पहले की तरह। और इस विषय पर रोज ही अलग अलग समाचार पत्रों में छपती रही हैं खबरें। आज 3 दिवस बाद फिर से पुलिस बल के राउंड लेने पर भी सब्जी विक्रेताओं में नहीं नजर आई कोई हड़बड़ाहट। हम आपको बता दें कि प्रत्येक दुकानदार ने 4 फीट से 5 फीट तक बढ़ा रखी है अपनी अपनी दुकानें और आती जाती महिलाओं पर भी अक्सर करते हैं छींटाकशी। और यदि कोई ग्राहक दाम पूछ कर न ले सब्जी तो तुरंत करने लगते हैं गाली गलौज। आज 3 दिवस बाद दोबारा पुलिस टीम ने अपनी अपनी जगह दुकानें लगवाई, पर अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने समय तक पीछे हटा कर लगाए रखते हैं अपनी दुकान। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सिकंदराबाद क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं आज स्थानीय सब्जी मंडी में। हम आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ही इसी तरह का पुलिस अधिकारी हटाओ अभियान चला था, जिसमें यहाँ पर सब्जी वालों ने सब अपनी अपनी जो जगह थी वो खाली कर दी थी और जो यथावत आम आदमी के घूमने फिरने के लिए जगह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, खूब जगह बन गई थी जिसमें आजादी से यहाँ पर सब्जी लेने वाले घूम सकते थे, सब्जी ले सकते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद ये जो माहौल था जस का तस किसी तरह का सा हो गया और सभी दुकानदारों ने अपने अपने किए आगे बढ़ाकर करीब तीन चार फुट इन्होंने बढ़ा रखे हैं, अब जो कि क्यों कर लिए हैं। आज फिर पुलिस बल साथ में आया हुआ है, उनको देख करके दुकानदारों ने कुछ अपनी दुकानें पीछे भी कर ली हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो ये भी बताएंगे। या आइए हमें कुछ जानकारी देते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, इन्हें भीड़ से कोई समस्या होती है, परेशानी होती है या नहीं। भाई साहब एक मिनट, आप यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आते हैं, सब यहाँ पर ये इनकी दुकानें इतनी सारी बड़ी हुई है और जब बिल्कुल जाम की स्थिति रहती है तो परेशानी महसूस करते हैं अभी आइए? परेशानी तो खैर होती है। तो आप चाहते हैं कि ये अपनी अपनी जगह दुकान अपनी निर्धारित सीमा में रखें जिससे कि इनको दिक्कत वाली बात ना हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि सबने बताया कि दुकानें आगे बढ़ जाने से सभी को दिक्कत होती है और उम्मीद है आने वाले समय में भी पुलिस बल लगातार यहां पर गश्त पर रहेगा और चक्कर काटता रहेगा और इसी खौफ से ये दुकानदार अपनी अपनी सीमा में निर्धारित रहेंगे। कैमरा पर्सन मोनिश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज।